नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना चलिए करते हैं आज की की ताजा खबरों ओर जिले में रविवार को जहां पर जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील मुख्यालय ग्यारतगंज की जनपद पंचायत के क्षेत्र की ग्राम पंचायत लीलंग गवा के ग्राम में आमजन के बीच जन चर्चा में चर्चा रही बताया जाता है कि वृद्ध महिला के द्वारा एक घूरे में चूल्हे की डली राख बनाकर कारण जिम्मेदार कौन आप या हम आमजन के बीच चर्चा है जहां पर आंधी तूफान के कारण चलती हुई हवा के तीखे तेवर से बाजू में पटेलों के डले हुए मवेशियों के बने हुए छप्पड़ों में हवा के कारण हुई आगजनी नहीं हुई कोई भी जनहानि प्राप्त जानकारी के सूचना के आधार पर ग्रामीण जनों ने थाने पर और तहसील मुख्यालय पर और डायल को भी पशु विभाग को सूचना दी मौके पर पानन में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में घटना स्थल पर पर पहुंचे जहां पर अधिकारियों की सूचना पर घटना स्थल पर मौके पर पहुंचे आनंद पान में नगर सुल्तानपुर से और नगर गैरतंज और जिले के नगर बैगमगंज से फायर ब्रिगेड द्वारा आग को काबू में किया गया काफी पुराना छप्पर था जो खंडहर अवस्था में भी था जहां पर मवेशियों का सड़ा गला भूसा रखा हुआ था जिसमें आग हुई फायर ब्रिगेडों की मदद से आग को काबू में किया गया वहीं आग से झुलसी हुई अवस्था में मवेशियों का उपचार डॉक्टरों के द्वारा मौके पर आते ही इलाज जारी है जहां पर उपचार के तहत मवेशियों की हालत सुरक्षित अवस्था में देखी जा रही है मवेशियों का इलाज व सुरक्षा व्यवस्था में उपचार परिपूर्ण है हवा के कारण आगजनी तो हुई परंतु जनहानि नहीं हुई नगर सहित क्षेत्र में आमजन के बीच जन चर्चा में चर्चा है राजेश साहू की रिपोर्ट